सबसे पहले माता सती का हृदय गिरा हुआ है और उसी हृदय के शिवलिंग विराजमान है। ये रावणेश्वर वैद्यनाथ है, रावण द्वारा लाए हुए वैद्यनाथ है। आदिदेव शंकरा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पिछले साल का है, 17 अक्टूबर 2021 का। तो हम लोग गए थे देवघर अपनी जेठ जिठानी के घर पर। तो वहीं पे एक मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है बाबा बैद्यनाथ मंदिर। तो चलिए हम लोग वहीं पर चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ में दर्शन कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो जो ये वीडियो देख रहे, तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं इस मंदिर में जाते रहते होंगे, गए होंगे कभी ना कभी। अगर नहीं गए तो हमारे वीडियो के थ्रू आपको लेकर चलते हैं। जैसे कि देवघर गए थे हम, तो इसको ये भी बोला जाता है देवों की नगरी। तो देवघर का मतलब ये भी होता है देवों की नगरी। तो अभी आप देख सकते हो गाय के साथ ही, मतलब गाय को प्यार करते हुए सहलाते हुए ये देख सकते हो इनको आप। और मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे गाय को हाथ लगाते हुए। मन तो करता है लगाने का, लेकिन डर लगता है कभी वो मुझे मार ना दे, कहीं फेंक ना दे इस वजह से। और आप लोगों में से जो भी यहाँ पे आना चाहें, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है जसीडी, और जो कि यहाँ से हार्डली 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि दिल्ली और हावड़ा के लाइन पे होता है। और इनफैक्ट देवघर में भी एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर आप दिल्ली से कोलकाता साइड से आ रहे हैं तो आप जसीडी स्टेशन पर उतर कर आप देवघर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो किसी भी टाइम इसका उद्घाटन हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो जैसा कि अभी मार्च का महीना है 2022 का, तो अभी इसका उद्घाटन होने वाला है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में मेरे ख्याल से, या मैक्सिमम हफ्ते भर में। तो यहाँ आप डायरेक्टली फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है टावर चौक, और ये बहुत ही मशहूर स्थान है देवघर का। ये एक कहते हैं ना लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क है। तो आपको सामने टावर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है टावर चौक। और यहाँ से आप स्ट्रेट सीधा जाएंगे तो मंदिर आप पैदल चल के जा सकते हैं, और ये हार्डली यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे अभी सुबह सुबह का वक्त है, और चूँकि आज भीड़ कुछ कम दिख रही है, तो वैसे ये मार्केट काफ़ी भीड़ भरा होता है, चारों तरफ आपको दुकानें दिख जाएंगी। और जब ये शूट किया गया है ये वीडियो, तो अक्टूबर का महीना है 2021 का। तो ये जस्ट अभी ये मंदिर लॉकडाउन के बाद, काफ़ी टाइम के बाद खुला था, तो लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। तो अभी भी यहाँ पे लोग काफ़ी कम आ रहे हैं, तो बाज़ारें वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुली हुई अभी दिख नहीं रही होंगी आपको। लेकिन अगर आप सावन या भादों के महीने में यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, और इतनी भीड़ होती है, आपको यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ करके आनी पड़ती है। हर जगह आपको यहाँ पे भगवा रंग मिल जाएगा उस टाइम पे। तो और आपको साथ साथ ये बता दूं कि जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, तो आपको रास्ते में बहुत सारे यहाँ पे आपको जो यहाँ के पंडित होते हैं, जो पंडा कहते हैं यहाँ पे, तो वो आपको रोक रोक कर पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, और वो आपको हेल्प करते हैं आपको आपकी पूजा कराने में। तो आपको इनसे मैं ये बोलूँगा कि मिल सकते हैं इनसे, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। तो आप यहाँ पर इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। तो वो आपको हेल्प करते हैं, जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि मैंने भी एक पंडित जी का सहारा लिया है।
तो इन गलियों में आपको यहाँ पे कई सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको, चूड़ियों की, प्रसाद की और तरह तरह की चीज़ों की। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेकर बेसिकली आपको जब बाहर मंदिर से निकल रहे होते हैं तो आप यहाँ पे सामान की शॉपिंग करें, जैसे कुछ प्रसाद वगैरह घर के लिए लेके जाना हो तो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। सावन के महीने में जो कांवड़ियाँ होते हैं, यहाँ से 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज है, वहाँ से गंगा नदी से जल लेके आते हैं, पैदल चल के आते हैं और यहाँ पे जल अर्पण करते हैं, जो कि 108 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और वही चहल पहल आप यहाँ पे शिवरात्रि के समय भी देख सकते हैं। इस मंदिर को जिन्होंने बनवाया था उनका नाम है राजा पूरनमल, और ये पूरे 22 मंदिरों का समूह है। जो मुख्य मंदिर है शिव जी का, उसके चारों तरफ 21 मंदिर बने हुए हैं, और जो शिव मंदिर है उसके ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर है, जो कि आपस में आप देखेंगे अंदर जाके कि इस तरह आपस में बंधे हुए हैं, और उसके चारों तरफ टोटल शिव मंदिर के चारों तरफ पूरे 21 मंदिर हैं, जहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर में आपको मैं ले कर चलूँगा। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल ऐसा अनुभव करें इस वीडियो को देखते समय कि आप बिल्कुल उन गलियों में आप शाश्वत चल रहे हों, आप खुद महसूस करें वहाँ की आभा मंडल को। तो इसलिए इस वीडियो को मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा समय दीजिए और आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल वहाँ पे खुद जाके दर्शन कर रहे हैं। और इस मंदिर में मैं दूसरी बार गई थी, अभी एक बार पिछली बार भी गई थी जब मैं अपने जेठानी के घर गई थी, तो ये दूसरी बार गई थी यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जितनी बार भी जाऊँगी तो मुझे लगता है वहाँ मैं मंदिर में ज़रूर जाऊँगी, और इतना अच्छा एक शांति महसूस होती है, एक बहुत ही अच्छा मतलब माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आसपास है ना बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से अब मैं अंदर आ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई है, आप लोगों को शायद बोर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा इस वीडियो में कि आप खुद वहाँ जा कर दर्शन कर रहे हो, हमने एक एक चीज़ को कैप्चर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेडीज़ों ने जो कांवड़ उठा रखी है, शायद इन्होंने कुछ मान्यता मांगी होगी तो उस वजह से वो पूरी कर रहे होंगे अपनी वो। तो मुझे जितना पता है, मैं जितना देख पा रही हूँ वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस था, मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं, अगर कुछ शब्द ऐसे बोल दूँ जो कि आपको अच्छा ना लगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और इस मंदिर में अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं लोग, और यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। और अंदर से ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर ही आपको जैसे कि फूल लेनी है, फूल माला लेनी है, तो वो सब चीज़ें आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो और मैं भी लेने वाली हूँ। और आप लोग फूल माला के साथ साथ में जल पात्र भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कि घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर घर से नहीं लेके आते हो तो यहाँ पर वो भी आपको जल पात्र जो है वो भी मिल जाएगा। और सामान्य दिनों में जब मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुख्य पुजारी होते हैं वो यहाँ की पूजा करते हैं, षडोपचार होता है, उसके बाद इस ये आमजनों के लिए खोल दिया जाता है। तो ये जो मुख्य पुजारी पूजा करते हैं, यहाँ की आम भाषा में इसको सरकारी पूजा भी कहते हैं, उसके बाद आम आदमी यहाँ पे दर्शन के लिए जा सकता है। ये मंदिर शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है और शाम को 6 बजे दोबारा खुलता है, और शाम को यहाँ पे श्रृंगार पूजा के बाद ये पुनः रात को 9 बजे तक खुला रहता है, और श्रावण के महीने में ये रात को देर 10-11 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ अंदर आते ही आपको इस तरह का माहौल मिलता है, और हर जगह आपको पूजा पाठ और हर तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ पे हर जगह आपको कहीं पे मुंडन संस्कार, कहीं पे कुछ पूजा, कुछ मन्नतें मांगी हुई, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं इन गलियों से होते हुए, ये मंदिर के पीछे वाला भाग है, और हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के उस हिस्से में जहाँ से कि एक लंबी लाइन लगती है मंदिर में प्रवेश के लिए। तो आपको वहाँ पे जाना होता है, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लग गई है तो ये सारी व्यवस्था की गई है। तो अब दिख रहे हैं यहाँ पे पंडित जी में दिखा रहे हैं कि हमें इस लाइन में आगे ऊपर जाना है, तो इसके लिए हमें वो वहाँ पर लेके जा रहे हैं।
तो इस समय पंडित जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों के बंद रहने के बाद ये खुला है, तो उसी के बारे में ये बताते हुए कि अभी भीड़ यहाँ पे कम है, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे आज के दिन भी काफ़ी भीड़ है और हमें भी कम से कम यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे तक हमें उस पंक्ति में रहना पड़ा था, तब जाके हमने दर्शन किया था। और इसके बाद पंडित जी ने हमें यहाँ पे संकल्प करवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक सहायक को, जिसको कि आप देख पा रहे हैं टी शर्ट और एक लाल गमछे में, वो जो व्यक्ति सामने आपको दिख रहा है, तो वो उनका सहायक है और वो हमें वहाँ पे ले के जा रहा है जहाँ से क्यू की शुरुआत होती है, तो वो हमें वहाँ पे छोड़ देंगे। और इसके बाद पंडित जी हमें दोबारा मंदिर के प्रांगण में मिलेंगे। तो फिर से एक लंबा सा रास्ता तय करते हुए हम जा रहे हैं, और जब आप इन गलियों से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा, महसूस होगा हर तरफ हर हर महादेव की गूंज, और ये भक्ति भाव वाला दृश्य आपको हर जगह प्रकट होता रहेगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे कुछ पहले, मतलब कि 2-3 साल पहले तक यहाँ पे आपको दर्शन के लिए एक VIP गेट हुआ करता था, जहाँ से आप त्वरित दर्शन के लिए जा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने इस सुविधा को भी उन्होंने बंद कर दिया है, तो आपको हर हाल में आपको क्यू में लगना ही पड़ेगा। और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप दर्शन के लिए आए हो और भगवान के दरबार में जा रहे हो, तो वहाँ पे सब बराबर होते हैं और आपको उस पंक्ति में लगना ही चाहिए। तो ये देख सकते हैं, अभी जो गैलरी सा पूरा दिख रहा है आपको, ये वो पंक्ति है। हम लोग उस लाइन के आखिरी तक पहुँच चुके हैं और काफ़ी लंबी लाइन है, अभी आपको दिखेगा। तो ये जो समय होता है, आपको देखिए पीछे तक इतनी लंबी लाइन हो चुकी है, हमारे आते ही हमारे पीछे इतनी सारी लंबी लाइन हो गई, कहने का मतलब कि काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। और इन लाइनों में खड़े हुए आपको 2.5-3 घंटे या इससे ज़्यादा भी टाइम अगर लग जाता है ना, तो सच में पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हो कि समय का पता ही नहीं लग जाता कब आपको भगवान के दर्शन, मतलब कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। तो जयकारा लगाते हुए इतना मतलब अच्छा लगता है, वहाँ पर इतना लीन हो जाते हैं भगवान में हम, तो समय का पता ही नहीं लगता कि हमें इतना घंटे मतलब लाइन में खड़े हो गया है। और सामने आप देख रहे हो मंदिर में ऊपर की तरफ एक आदमी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, और ये शिव और पार्वती के इस तरीके से बांधते हैं धागे से, तो वो मन्नत के लिए धागा बांधा जाता है। और भोलेनाथ की आप सब पर भी कृपा हो, आप सबके भी मनोकामना पूरी होए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में ही आपको हमारी साथ ये दर्शन करते हुए कैसा महसूस हो रहा है वो भी आप हमारे साथ वीडियो में शेयर कर सकते हो। अगर आप पहले भी कभी गए हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे चल के आप देखोगे पंडित जी जो है इस मंदिर की जो कहानी है, पीछे का रहस्य है, स्टोरी है, वो सब हमारे साथ में शेयर करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और ये वो जगह है जहाँ पे आपको कई राउंड लगाने पड़ते हैं क्यू मैनेजमेंट के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये बनाया गया है। इस तरह से एक ये टॉप फ्लोर पे है, ऐसा ही एक दूसरा नीचे फ्लोर है, उस फ्लोर पे भी आपको कई राउंड लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी जयकारे लगते रहते हैं और आपका यहाँ पे मन लगा रहता है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हम यह मंदिर पे प्रवेश कर ही रहे हैं। ये है द्वार का दृश्य, आप देख सकते हैं। तो मंदिर दर्शन के बाद हम अब बाहर निकल चुके हैं,
और देख सकते हैं बादल किस तरह से छाए हुए हैं आकाश में। और अब पंडित जी हमें यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं इस मंदिर के बारे में कि इसका इतिहास कैसा है और कैसे, आइए आपको सुनाते हैं। आपको सबसे पहले माता सती का हृदय गिरा हुआ है और उसी हृदय के शिवलिंग विराजमान है। ये रावणेश्वर वैद्यनाथ है, रावण द्वारा लाए हुए वैद्यनाथ है। रावण बाबा वैद्यनाथ को लंका ले जाना चाहते थे, उन्होंने तपस्या किया, अपना सारा सर काट के दे दिया। बाबा प्रसन्न हुए, बोले चलो ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ लंका। वहाँ उनके साथ लंका जाने लगे। अब सारे देवी देवताओं में हलचल मच गए कि अगर भोलेनाथ वहाँ चले गए तो जगह का क्या होगा। सब देवी देवताओं ने मिलकर एक षड्यंत्र किया कि किसी तरह लंका बाबा भोलेनाथ नहीं जाए। तो क्या किया कि गंगा को आह्वान करके चरणामृत के रूप में रावण को पिला दिया गया। रावण को पान करते ही बाबा वैद्यनाथ को वो लेके चले। उन्होंने शर्त रखा था कि अगर हमको कहीं रख दोगे तो फिर हम उठेंगे नहीं। उसके बाद रावण को बहुत जोर लघु शंका लगा। अब वो लघु शंका शिवलिंग पकड़े कर नहीं सकता है, अब शिवलिंग को रखना भी नहीं है। इतने में विष्णु भगवान ग्वाले के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। वो यहाँ हरला जोड़िया हरित्वर वहीं पर प्रकट हुए और विष्णु भगवान उनसे शिवलिंग को लिए कि आप लघु शंका करो, मैं तब तक थामे रखता हूँ। अब साक्षात वो गंगा विराजमान था अंदर में। अब पेशाब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अंत में विष्णु भगवान ने वो लिंग को माता सती का जहाँ हृदय है उसी के ऊपर विराजमान कर दिया। अब रावण घूमते हुए आए, जब उनका पेशाब खत्म हुआ कि भाई अब तो हम शंकर जी को लेकर चलेंगे, तो देखते हुए तो विराजमान हो गए। अब क्या करना है, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको उखाड़ के ले जाए, लेकिन शर्त था कि हमको जहाँ रख दोगे फिर हम उठेंगे नहीं। बस नहीं हुआ, लास्ट में वो अपने मुखा से उनको दबा दिया। इसलिए लास्ट में नीचे है और उन्होंने शंकर जी प्रकट हुए, गए रावण तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नाम से ही हमको यहाँ लोग जानेंगे, इसलिए इनका नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ। के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अभी मैं जा रही हूँ हनुमान मंदिर में, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी सीपियों की ओट में भोलेनाथ
शंकरा मोतियाँ हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाग छाल का है खड़ा उपाओ में प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा समुद्र मंथन का था समय जुआ पड़ा द्वंद दोनों लोक में शाम रित पे था छिड़ा अमृत से भी मैं बाट के प्याला विश्व का तूने खुद पिया नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे
दर्शन अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद हम आ गए हैं मार्केट में, मतलब कि यही रास्ता है हमें हमारा बाहर जाने का। तो यहाँ पर जो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो मैं वही चीज़ देख रही थी यहाँ पर। तो जब भी दो बार मैं दूसरी बार गई हूँ तो दोनों बार ली है, तो अभी मैं लाख की चूड़ियाँ देख रही थी, मतलब खरीद रही हूँ। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी आई होप। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय भोले बाबा की।